हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल और सब टेक्निकल पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि आप थंबनेल पर देखे ही होंगे, कि फ्लिपकार्ट का जो न्यू ऑफर आने वाला है उस पर हम कोई भी सामान का 50% डिस्काउंट कैसे पा सकते हैं। अगर आपके पास ओल्ड फ़ोन है तो उसको हम फ्लिपकार्ट के जरिए सेल करके कोई फ़ोन का डिस्काउंट 30 से 40% तक कैसे डिस्काउंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे पर पटेटर आप तक पहुँच पाए। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं कि हम अपने पुराने फ़ोन को फ्लिपकार्ट के कैसे सेल करेंगे और अपने न्यू फ़ोन को बहुत ही कम प्राइस में कैसे परचेज करेंगे। तो आप साइट पर देख पा रहे हैं, पहले हम फ्लिपकार्ट का एक जो ऐप है उसको ओपन करेंगे। जैसे हम ऐप ओपन करेंगे वहाँ पर सर्च बार में सर्च करेंगे, हमें पोको का फ़ोन लेना है, बहुत ही अच्छा लगता है पोको का फ़ोन, तो पोको X3 Pro हम सर्च करेंगे। सर्च करेंगे तो आपको एक छोटा सा पेज खुलेगा। जैसे ही पेज खुलेगा आपको जो सा कलर का फ़ोन लेना होगा उसको हम क्लिक करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो पोको का फोन का रियल प्राइस अभी 20,49 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। उस पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे सर्च करके नीचे आएंगे आप साइड एक्सचेंज वैल्यू पर क्लिक करेंगे। आपके पास कोई और पुराना फ़ोन है मार्केट में उसका वैल्यू बहुत ही कम मिलता है, आपको पता ही होगा सेकेंड हैंड फोन का अगर 2-3 साल यूज कर लेते हैं तो बहुत ही कम 2,000-3,000 लोग देते हैं। तो फ्लिपकार्ट को हम बहुत ही अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं। तो एक्सचेंज वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो हम मेरे पास Vivo V70 Pro है जिसको हम सेल करना चाहते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे आपके पास फिर से एक ओपन पेज ओपन होगा और उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर हम जाकर अपनी कंपनी का जो फ़ोन है उस पर हम क्लिक करेंगे, वीवो का वीवो क्लिक करेंगे। उसके बाद मेरा कौन सा फ़ोन है उस पर क्लिक करेंगे, जैसे Vivo V70 Pro है जिस पर क्लिक करते हैं। आपके पास अगर Vivo V50 Pro, Vivo V1 Max या MI का कोई फ़ोन, ओप्पो का कोई फ़ोन, तो उसमें आप कंपनी में जाके आप मॉडल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपका वैल्यू यहाँ पर ऊपर देख पा रहे होंगे एक्सचेंज ओल्ड फ़ोन, उसके नीचे लिखा होगा Vivo V70 Pro एक्सचेंज प्राइस 7,750 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि आपको जो फ़ोन फ्लिपकार्ट सेल कीजिएगा आपका वैल्यू 7,750 रुपये मिलेगा। इन्होंने थे Poco X3 Pro, उसका एयर प्राइस 20,000 था, ठीक है। और मेरा जो Vivo V70 Pro है इसको हम सेल फ्लिपकार्ट सेल कर रहे हैं तो 7,750 रुपये माइनस हो जाएगा, इससे मेरा फ़ोन जो है 12,250 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास कार्ड भी है, HDFC का कार्ड है जो ऑफर चल रहा है अभी। आप HDFC कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन पेमेंट करके उससे भी आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं, यानी कि उस पर भी आप 1,000 रुपया डिस्काउंट पा सकते हैं। तो मेरा फ़ोन जो है ऑलमोस्ट 11,000 पड़ेगा, यानी कि हम लोग 20,000 का जो फ़ोन है 11,000 ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी इस तरह कोई भी आपके पास अगर फ़ोन है रेडमी का है, वीवो का है, आप भी एक्सचेंज फ़ोन करके बहुत ही कम प्राइस में आप एक न्यू फ़ोन ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस फ्लिपकार्ट के महा ऑफर का उपयोग कर पाए और अपने पुराने फ़ोनों को फ्लिपकार्ट को बेचकर अपने नए फ़ोन बहुत ही कम प्राइस में 50% से 40% डिस्काउंट में अपने नए फ़ोन को परचेज कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, कल से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।